प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बिले पार्ले के साईं श्रद्धा बाबा मंदिर में 3800 वार्षिक महोत्सव व महापूजा का आयोजन किया गया, साथ ही भंडारा और भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया था। तो आइए देखते हैं दोस्तों महादेव गुप्ता की खास रिपोर्ट। ये कार्यक्रम हम लगातार 38 साल से हम लोग कर रहे हैं और ये साईं बाबा का वार्षिक महोत्सव करके हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये जो हमारी मंदिर की स्थापना का दिवस हम लोग माना जाता है और इस समय पे हम लोग हमारी सत्यनारायण की महापूजा, साईं बाबा का भंडारा और ये हमारे जो भक्ति गीत का एक कार्यक्रम होते हैं और इस विभाग के सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। और ख़ासतर विशेषतर ये सारा जो प्रोग्राम है ये हमारा घाड़गे परिवार के तरफ से होता है। इसमें हमारे एक फैमिली फंड होता है जो हर महीना हम लोग जो कमाते हैं उसमें से एक बाबा के नाम से एक जो हमारा एक हिस्सा है वो हम लोग निकाल के रखते हैं और उस हिस्से में से ये सारा जो हम प्रोग्राम करते हैं। मंदिर की खास बात क्या है, क्या मान्यता है? इस मंदिर की खास बात ऐसी है, जब हम 500 रुपया कमा देते तब बाबा के इच्छा हो गई कि भाई आप यहाँ पे एक मंदिर की स्थापना करो, मुझे वहाँ पे बैठाओ। तो उस समय बात ऐसी थी कि हम लोग इतने नहीं कमाते थे और बाबा की इच्छा ऐसी थी क्या ये मंदिर बनाने का, लेकिन किसी से चंदा नहीं लेने का और कर्जा भी नहीं लेने का। तो हम बाबा को बताए थे भाई बाबा कैसा ये पॉसिबल है, हम 500 रुपया कमाने वाले आदमी और इतनी सारी, अच्छा मंदिर भी बनाते समय हमको ये भी ख्याल करना था कि आने वाली पीढ़ी वो भी इस ध्यान रखना चाहिए। तो हमारी इच्छा थी कि मंदिर हो जावे तो एक मार्बल की मूर्ति होना चाहिए क्या, जो कायम स्वरूप के रहना चाहिए। तो वो हिसाब से फिर बाबा को हमने कहा कि भाई बाबा कैसा ये हो जाएगा इतना बड़ा मंदिर का ये सब प्रोग्राम। तो हमारी जो हम कमाते थे उसमें हम लोग 5-10 पट्टी से कमाने लगे, तो हमको ऐसा लगा कि ये ऊपर का पैसा ये हमारा नहीं है। और उसी दिन से हम लोग थोड़ा थोड़ा सब करके इस मूर्ति की स्थापना किए। मूर्ति की स्थापना होने के बाद में आगे जैसा मंदिर का जो जो छोटा मोटा काम है करते 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 इस तरह से आज हम लोग इस तक ये स्टेज में हम लोग पहुँचे हैं। आप क्या कहना चाहिए, कितना नहीं बाबा तो हम लोग के घर के एक बड़े आदमी हैं, कुछ भी हम लोग खाना भी बनाते हैं ना तो पहले उनको खिलाते, उनके बाद में हम लोग सब खाते हैं, प्रसाद डेली का भोज चढ़ाते वही हम लोग खाते। 38 साल हो गया। हाँ परिश्रम तो करना पड़ा है लेकिन कुछ नहीं लगता है, बाबा का करने में तो खुशियाँ ही लगती है ना अपने को। हाँ दो क्या तीन हाँ दो लड़की एक लड़का, हाँ तीनों एडवोकेट बन गए, सब उनकी कृपा है। सब उनकी कृपा है, आज जो भी हम लोग भी है उनकी कृपा है, हाँ बाबा का आशीर्वाद। ये हम लोग के पास जो भी है वो बाबा का आशीर्वाद है और इसी आशीर्वाद पे हम लोग बड़े हुए हैं। आज हम लोग तीनों जन वकील है, हम लोग की फैमिली एक हैप्पी फैमिली है, ये सब बाबा का आशीर्वाद है। पक्का पक्का जरूर बढ़ाएंगे, जरूर जरूर बढ़ाएंगे हम। ये एक्चुअली सबका श्रद्धा स्थान है, इतने साल से उन्होंने बड़े तरह से परिश्रम करके काफी कुछ कर रखा है लोगों के लिए और सब तो श्रद्धा स्थान है ये। तो हम ये आगे बढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ना है, ये सब ऐसे लोग आते हैं ना, ये बाहर काफी 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 खुशी हो रही है। इसे ज्यादा बोल रही हूँ, और भगवान का मंदिर आते 38 साल हो गए, हम लोग बाबा ने बहुत सब कुछ कुछ अच्छे दिए है, अच्छी बुद्धि दिए है, हम लोग को बहुत ये आशीर्वाद है बाबा के।
ये सबका श्रद्धा स्थान है। वैसे भी यहाँ पे जो मांगो मिल जाता है, मीन्स किसी को खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। हमने भी मांगा, हमें सब मिल गया, बिना मांगे मिल गया। यहाँ पे जो भी आता है उसको हर उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। थैंक यू। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।